तब करा। छत्तीसगढ़ के जशपुर की ऐसी जगह जहां अनगिनत नागों का बसेरा है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के बीचों बीच एक शिवजी का छोटा सा मंदिर है और उसी मंदिर के नीचे है एक रहस्यमय गुफा। एक ऐसी गुफा जिसे आज एक चट्टान से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भी उस गुफा से गुजरता है वापस लौटकर नहीं आता। इस जगह को लोकल्स पाताल द्वार मानते हैं, जहाँ से रास्ता जाता है नागलोक, एक ऐसा लोक जहाँ नागों का वास है। भारत और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। आज भी कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड, बाली जैसी जगहों पर कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके पूर्वज नाग थे। नागों को बहुत दिव्य माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में नागों से जुड़ी कई कहानियाँ हैं जो नागों के महत्व को समझाती हैं। तमिलनाडु में वलियमपराई केव्स पर काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर के घर बने हुए हैं। लोकल लोगों का कहना है कि सदियों पहले एक प्रजाति के लोग यहाँ आए थे और हमारे साथ रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के पास बहुत सिद्धि और धन होता था। वो इंसानों के साथ ही रहते थे और उन्हें अपना ज्ञान दिया करते थे, ब्रह्मांड का ज्ञान, प्रथाओं का ज्ञान और जीवन चक्र का ज्ञान। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनकी हर पत्नी ने अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया था। उनकी पत्नी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था। उनकी एक पत्नी से असुरों का जन्म हुआ था, तो एक से पेड़ पौधों का। ऋषि कश्यप की पत्नियों में से देवी कद्रु को नागों की माता माना जाता था। अथर्ववेद में कहा गया है कि नाग प्रकृति के रक्षक होते हैं। वो नागलोक में वास करते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, पर उनकी मणि की चमक से सारा लोक जगमगाता रहता है। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार एक बार दुर्योधन ने गंगा के तट पर एक शिविर लगवाया। वहां कुश्ती, निशानेबाजी जैसे अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया, पर हर खेल में भीम बड़ी ही आसानी से सभी कौरवों को हरा देते थे। ये बात दुर्योधन को बहुत खटक रही थी। वो भीम से जलने लगा, उससे घृणा करने लगा और इसी के चलते उसने एक षड्यंत्र रचा। उसे पता था भीम खाने के शौकीन है। उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें नदी में फेंक दिया। इस कहानी के अनुसार तब नाग ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई। वो उन्हें नागलोक ले गए, जहाँ उन्हें नागराज वासुकी ने 1000 हाथियों के बल का वरदान दिया और भीम और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। इसके अलावा जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाड़ों की शैया पर लिटा दिया था, उसे देखकर उनकी माँ गंगा बहुत दुखी हुई थी। उन्होंने अर्जुन को ये श्राप दे दिया था कि उनकी मृत्यु अपने ही बेटे के हाथों होगी, और ऐसा ही हुआ। एक बार अर्जुन का अपने पुत्र बभ्रुवाहन से युद्ध छिड़ गया और वो अपने ही बेटे के हाथों मारे गए। तब उलूपी, एक नाग कन्या जो अर्जुन से प्रेम करती थी, उन्होंने नागलोक से मणि लाकर अर्जुन को दोबारा जिंदा किया और माँ गंगा के श्राप से उन्हें मुक्त किया। एक बार सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई थी, उस समय नागों के राजा वासुकी ने ही उनकी सहायता की थी। दरअसल एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट की थी, पर इंद्रदेव ने उसे अपने हाथी को पहना दिया था और हाथी ने उसे तोड़ दिया। ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सारे देवलोक को श्राप दे दिया और सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई। तब विष्णु जी के कहने पर देवता असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने गए। उन्होंने वासुकी नाग को मंद्राचल पर्वत पर एक रस्सी की तरह लपेट दिया और समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन से 14 तरह की अनमोल चीज़ें निकली। उन सबसे अनमोल था अमृत। इस अमृत से देवताओं को उनकी शक्तियाँ वापस मिल गई और जो विष निकला था शिवजी के साथ साथ वासुकी ने भी उसे पी लिया। इसी से प्रसन्न होकर शिवजी ने वासुकी को अपने गले में पहना। वासुकी को अपने गले में पहनकर महादेव ने उसे समय के चक्र से मुक्त कर दिया। इसलिए आज वासुकी को समय का रक्षक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग दुनिया के निर्माण की नींव रखते हैं और संसार के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वो ही बचते हैं जो फिर से निर्माण की शुरुआत करते हैं।
इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार शेषनाग अपने भाइयों के बुरे कर्मों से परेशान होकर उन्हें छोड़ हिमालय पर तप में लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें इतनी कठिन तपस्या करते हुए देखा और इसका कारण पूछा तो शेषनाग ने जवाब दिया कि वे अपने भाइयों की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं और मानव जाति के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं। शेषनाग की बातें सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषनाग को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि धरती अपने पहाड़ों, जंगलों, समुद्र आदि के कारण बहुत असंतुलित है और हिलती रहती है, इसलिए शेषनाग धरती को अपने फन पर उठा लें ताकि धरती का संतुलन बना रहे। शेषनाग ने ऐसा ही किया। वो धरती के नीचे पाताल लोक में चले गए और धरती को अपने फन पर उठा लिया। उन्हीं की वजह से इस दुनिया में संतुलन बना हुआ है। यही कारण है कि भगवान विष्णु, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, वो शेषनाग पर वास करते हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कल्चर्स में नागों का वर्णन है। हर सिविलाइजेशन में नागों को इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है। इजिप्शियन कल्चर में कई सारे सर्पेंट गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक कोबरा की तरह दिखती हैं। ग्रीक कल्चर में भी काफ़ी हाफ ह्यूमन हाफ रिप्टीलियन गॉड्स हैं। माना जाता है कि चाइना में ड्रैगन्स का एवोल्यूशन भी नागों से ही हुआ था। इसी के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन, एशियन, इस्लामिक, अफ्रीकन, मैक्सिकन और भी कई सारे कल्चर्स किसी न किसी तरीके से नागों को इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नागों ने ही पृथ्वी पर मानव सभ्यता की शुरुआत की थी। उनका कहना है कि नाग ही सबसे पहले रूलर्स हुआ करते थे। नागों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाग स्पिरिचुअल एनर्जी से अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन कई कल्चर्स और हमारी मूवीज़ में भी नागों को एक नेगेटिव रूप में दिखाया जाता है। जलन की भावना रखने वाले और बदला लेने वाले जीवों की तरह दिखाया जाता है। क्रिश्चियनिटी में तो नाग को ईविल और डिस्ट्रक्शन का सिंबल माना जाता है। एक ऐसी प्रजाति जो आधी इंसान है और आधी रेप्टिलियन, किसी की अपर बॉडी इंसान की है और लोअर बॉडी एक नाग की, किसी का सिर्फ सर नाग का है और शरीर इंसानों का, ऐसी कई अलग अलग तरीकों से नागों को दिखाया जाता है। आज भी नागों को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। नाग पंचमी पर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी नाग को हानि पहुंचाना बहुत बुरी बात है। इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि जो नाग सदियों पहले इंसानों के बीच रहते थे, वो आज भी हैं और इन्हीं सांपों के रूप में रहते हैं। कुछ मानते हैं कि वो अपने नाग लोक लौट गए, कुछ मानते हैं कि वो इंसानों का रूप लेकर हमारे बीच रह रहे हैं। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।